नहीं तो आपका YouTube चैनल मोनिटाइज होगा। अगर मोनिटाइज है भी तो कभी भी आपका Google AdSense डिसेबल्ड हो जाएगा अगर आपने ये सब गलतियां अपने चैनल पर की हुई है या करने की सोच रहे हैं। सो आपको आज से ये सब बंद कर देना है जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को जरा सीरियस लेना क्योंकि आपकी मेहनत और आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा अगर आपने ये सब अपने चैनल पर कर रखा है या करने की सोच रहे हैं। तो चलिए अब मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा, आपको बिल्कुल सिंपल वे में और अच्छे से समझाऊंगा कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी अपने चैनल पर। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेरे हाथ में एक फोन है, एक्स्ट्रा फोन है। तो आपके घर में भी कोई दूसरा फोन होगा तो होता क्या है कि सबसे बड़ी गलती स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, जैसा कि मान लीजिए कोई भी क्रिएटर एक वीडियो को अपलोड करता है स्टार्टिंग के टाइम पे, तो उसको ये होता है कि मेरी वीडियो पे व्यूज आए तो इस चक्कर में वो क्या करेगा, अपने घर के किसी दूसरे फोन से अपनी वीडियो को प्ले करेगा। तो दोस्तों मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आप जरा ध्यान से मेरी बात को अब समझना। तो जैसा कि वो प्ले करेगा अपने घर के किसी दूसरे फोन से, तो देखो अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है और जिस फोन में आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो अगर आपका उसका कनेक्शन और जिस फोन से आप वीडियो को प्ले कर रहे हो वो एक ही कनेक्शन होगा तो आपको दिक्कत आएगी। मैं थोड़ा सा आपको और सिंपल कर देता हूं। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास मान लीजिए एक फोन इधर है और एक फोन ये है, तो मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ है और उस वाईफाई से मैंने दोनों फोन को कनेक्ट कर रखा है। अब मैं इस फोन से अपनी वीडियो को अपलोड करता हूं तो मैं इससे अपनी वीडियो को प्ले करता हूं, तो ऐसी आपको गलती नहीं करनी। अगर इस फोन में इसका अलग से डाटा होगा, अलग से मैंने नेट पैक डलवाया होगा इसमें, तो मैं अपनी वीडियो को इस फोन से वॉच कर सकता हूं क्योंकि दूसरे फोन का जो कनेक्शन है वो वाईफाई से कनेक्ट है। हो सकता है इसमें भी वाईफाई कनेक्ट ना किया हो, मेरे फोन का ही नेट हो, लेकिन अलग अलग नेटवर्क होना चाहिए तो ही हम अपनी वीडियो को प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों पहली बात आपको ये ध्यान देना है। इसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि हमारे फोन में 6-7 जीमेल आईडीज हैं तो हम अपनी अलग अलग जीमेल आईडी से अपनी वीडियो को प्ले कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसका सीधे सीधे जवाब ये है कि आप ऐसी गलती कभी भी मत करना, आप इस तरीके से अपनी वीडियो को प्ले नहीं कर सकते। अगर आपके फोन में 5-7 जीमेल आईडीज हैं तो आप उनसे अपनी वीडियो को प्ले नहीं कर सकते क्योंकि आपके फोन का जो आईपी एड्रेस है वो यूट्यूब के पास जा चुका है। जब हम अपने YouTube चैनल को वेरीफाई करते हैं अपने नंबर से तो YouTube के पास हमारे फोन का आईपी एड्रेस ये सब कुछ चला जाता है तो YouTube डिटेक्ट कर लेता है। तो दोस्तों आपको ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी, अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं है तो भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी। अब अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज है तो आपको क्या करना है और आप कैसे अपनी वीडियोस को प्ले कर सकते हो, कैसे वॉच कर सकते हो, वो भी अब आपको बताता हूं। तो दोस्तों देखो अब आपको अगर अपनी वीडियो को वॉच करना है तो पहली बात आपको अलग नेटवर्क से वॉच करना है। आपके घर में दूसरे कोई फोन है उनसे प्ले कीजिए, लेकिन प्ले तब करना है जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हो। अपलोड होने के तुरंत बाद ही अपनी वीडियो को 2-4 बार प्ले कर दीजिएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि वीडियो को अपलोड कर दिया अब 2-4 घंटे वेट कर या घंटा वेट कर आप प्ले करोगे तो उसका कोई आपको ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ फायदा लेना है तो उसी वक्त ही आप प्ले कीजिए अपनी वीडियो को अपने अदर फोन से। आपके घर में कोई भी फोन है उससे प्ले कर सकते हो, लेकिन नेटवर्क कनेक्शन एक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप कोई ऐसी वैसी गलती करते हो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया स्टार्टिंग में, तो अगर आप वो गलतियां करते हो अपनी वीडियो को वॉच करते हो या तो अपनी जीमेल आईडी से अपने उसी फोन से प्ले करते हो अलग अलग जीमेल आईडी से, या वाईफाई कनेक्शन एक होने की वजह से आप दूसरे फोन से अपनी वीडियो को प्ले करते हो, तो होगा क्या कि आपका जो गूगल एडसेंस है वो डिसेबल्ड हो जाएगा इनवैलिड एक्टिविटी के कारण। गूगल एडसेंस एक बार ही एक इंसान बना सकता है और जिंदगी भर आप अपने नेम से गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकते। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात का कि जब भी आपको अपनी वीडियो को वॉच करना है तो आपका जो नेटवर्क कनेक्शन है वो अलग होना चाहिए और दूसरे फोन से ही आप वॉच कर सकते हो। और ये भी नहीं कि आपने सारा सारा दिन वॉच ही करते रहना है, कभी कभार ऐसा भी होता है भले ही कनेक्शन अलग हो लेकिन YouTube एल्गोरिथम इतना स्मार्ट है वो डिटेक्ट भी
कर सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है, सिंपल सा मैं आपको और समझा देता हूँ। देखो, अगर आपको अपनी वीडियोस को प्ले करना है, आपके घर में वाईफाई नहीं है, आपके फोन का जो नेटवर्क कनेक्शन है वो अलग है, उसमें आपने डाटा पैक डलवा रखा है, और आपके घर के किसी दूसरे फोन का जो डाटा पैक है वो भी अलग है, उसमें डलवा रखा है, तो आप अपने घर के फोन से वीडियो को प्ले कर सकते हो जब आप वीडियो को अपलोड करते हो। अब उम्मीद करता हूं कि आपको जितना मैंने सिंपल वे में और कम समय में समझाया है आप समझ गए होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आ रहे थे मुझे इंस्टाग्राम पे इस चीज को लेकर, तो सोचा कि एक वीडियो बना दूं। तो आपको ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी, जरूरी नहीं कि आपका चैनल मोनेटाइज है उसके बाद आपको ये गलतियां नहीं करनी, आपको पहले स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपनी वीडियो को चला सकते हो, प्ले कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट चल रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।